अस्सलाम वालेकुम हबीबी, चाहे आप सैयद हो, शेख हो, इमन हो या पठान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान। फिर चाहे आप बुजुर्ग हो या जवान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। रेडी? मुंब्रा के भारत गेट से भिवंडी जाने के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। कलवा मुंब्रा एनसीपी विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने बताया कि इसके पहले भी भिवंडी के लिए बस शुरू की गई थी, मगर अब इलेक्ट्रिक बस की ओपनिंग आज की गई। ये इलेक्ट्रिक बस भिवंडी से मुंब्रा भारत गेट और मुंब्रा भारत गेट से भिवंडी की ओर चलाई जाएगी। शमीम खान ने इस बस सेवा को लेकर क्या जानकारी दी है, सुनिए। शमीम भाई, ईद मिलादुल नबी और गणेश चतुर्थी के अवसर पे आपने मुंब्रा वालों को एक तौबा की। मुंब्रा भारत गेट से भिवंडी के लिए आज जो इलेक्ट्रॉनिक एसी बसों का आपने उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहोगे इस अवसर पे? गुज़िश्ता कुछ दिनों के पहले हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पे, जिसमें हम लोगों ने ऐलान किया था कि बहुत जल्द इलेक्ट्रिक बस एसी बसेस भारत गेट से लेकर के भिवंडी दौड़ेगी। और मैंने ये बात बहुत वाजे किया था और फिर कहता हूँ कि मुंब्रा और भिवंडी का एक भाई बहन का रिश्ता है। मुंब्रा से भिवंडी जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, बस के अलावा या कार के अलावा ट्रेन नहीं चलती। इसके लिए इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी और भिवंडी के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं शोएब गुड्डू साहब, उन्होंने भी इसकी मुझसे बहुत बार मांग किया था, शमीम भाई थाना में बसें चलती है तो यहाँ बसें क्यों नहीं चलती। तो मैं सबसे पहले हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें TMT का मेम्बर बनाया और आज हमारे मुकामी लोगों की, प्रवासी लोगों की सेवा करने का मौका आपने दिया, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके साथ साथ में हमारे TMT के जो चेयरमैन हैं विलास जोशी काका, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है। जब भी मुंब्रा के लिए हमने उनसे कोई मांग किया है जवाहर भाई, तो उन्होंने हमेशा लब्बैक कहा है। मैं मेरे व्यवस्थापक साहब को, उन्होंने साहब को, और आज यहाँ पे जो भी कंडक्टर्स ड्राइवर हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, ये देखिए ये सब हम लोग के हिस्सा हैं, मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज से ये बस भारत गेट से लेकर के भिवंडी तक चलाई जाएगी। शमीम भाई, टाइमिंग क्या होगा इन दोनों और हर एक बस स्टॉप पे ये बस रुकेगी? मुझे बीच में मालूम पड़ा था कि आप जरा खास ध्यान रखिएगा, आप लोग जो हमारे डबे कंडक्टर लोग हैं, इसे आप लोग खास ध्यान रखना कि ये बस ड्राइवर से नहीं जाना चाहिए। पैसेंजर्स मुंब्रा रेलवे स्टेशन के नीचे होते हैं, वो जो मंदिर है हमारी एक, उस मंदिर पे लोग मौजूद होते हैं, उनको वहाँ से मंदिर भिवंडी जाना होता है, बहुत सारे लोगों को वहाँ से आगे बस स्टॉप भी है। तो आप बस को लेकर के नीचे से जाएंगे, आप ड्राइवर से नहीं जाएंगे, ये मेरी विनंती है आप लोगों से। ऐसी कुछ कंप्लेंट्स थी, देखिए टोटल रूट नंबर 84 और टोटल ये बस 8 फेरे मारेगी मुंब्रा से लेकर के भिवंडी तक। ये दोनों बसें, ये बसें मुंब्रा भारत गेट से भिवंडी तक जाएगी। इनका टाइमिंग हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। सबसे पहले जबर भाई सुबह के टाइम 7:30 बजे, उसके बाद दूसरी बस 8:30 बजे, तीसरी बस 10:40 पर, चौथी बस 11:40 पर, पांचवी बस 3:20 पर, छठी बस 4:20 पर, सातवीं बस 6:30 पर, आठवीं बस 7:30 पर। ये मुंब्रा का जाने का टाइम भिवंडी का हो गया। उसके बाद भिवंडी से बस मुंब्रा कैसे आएगी, कब कब आएगी, उसका टाइमिंग आपको हम बता देते हैं। सुबह 8:30 भिवंडी से निकलेगी, 9:50 पे निकलेगी, 12:00 निकलेगी, 4:30 पे निकलेगी और 1:00 निकलेगी, 5:00
5:40 को निकलेगी, 5:40 को, शाम में 7:30 बजे निकलेगी और 8वीं बस शाम में 8:30 बजे निकलेगी। टोटल ये बसेस 8 फेरे मारेगी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल हमारी तीन बस की मांग थी भिवंडी के लिए इलेक्ट्रिक बस की, और आज ये सौगात के तौर पे हमें ये बस हमारे सामने खड़ी है। जिस तरीके से कि हमारे सामने दो त्यौहार भी है, हीरा पाटिल साहब मौजूद है, गणेश मुंडे प्रिया मौजूद है। अभी देखिए, सबसे पहले गणेश चतुर्थी का हमारा एक त्यौहार है, वो हीरा पाटिल साहब मेरे ख्याल से 28 तारीख, हाँ, खास करके मतलब बड़े गणेश जी उठेंगे 28 तारीख को गणपति जी जो है वो खास करके वो उनको यहाँ से मतलब विसर्जन के लिए लेके जाएंगे। हमारे लिए ये एक बड़ा त्यौहार है। उसके बाद हीरा पाटिल साहब 29 तारीख को हमारा ईद मिलादुन्नबी भी है, दूसरा त्यौहार है। तो इन सब त्यौहार को देखते हुए, खास ख्याल रखते हुए, इन दोनों त्यौहार को देखते हुए क्या होगा कि त्यौहार में हीरा पाटिल साहब अक्सर लोग मंदिर मस्जिद और घूमने टहलने हमारे यूथ बच्चे सब निकलते हैं, तो उनके लिए एसी बसेस का इंतज़ाम है, उनके लिए इलेक्ट्रिक बसेस का इंतज़ाम है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक और मेरा वादा है इसके बाद, वो है मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल से बस चलेगी, उसका स्टॉप होगा और वो स्टॉप रेती बंदर से, यानी हॉस्पिटल टू रेती बंदर, सिलपाटा, सिलपाटा रेती बंदर, यानी ये बसें एक बस दौड़ेगी वहाँ पे, जिससे कोई भी पेशेंट को वहाँ पहुँचना हो जावेद भाई इमरजेंसी पीरियड में, तो उसे कोई तकलीफ ना हो। और किराए में जफर भाई बोले कि किराए का क्या है भाई, तो जफर भाई किराया बहुत कम है, कंडक्टर यहाँ से भिवंडी किराया कितना है? देखिए हमारे सामने हमारे कंडक्टर साहब खड़े हैं, ये सब हमारे वो सिपाही हैं जो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। और आपने बताया कि यहाँ से बस जो है भिवंडी के लिए 40 रुपये है, बहुत अच्छा फेयर है, कम फेयर है, हमारी TMT कम किराया ले रही जबर भाई जी, और एसी बस भी है सर। जितने बस स्टॉप मुमरा में हैं, जहाँ जहाँ भी बस स्टॉप हमारे होंगे वहाँ बस को रोकेंगे ना, बिल्कुल, जहाँ जहाँ बस स्टॉप है हर बस